हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है। केवल एक ही स्थान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों सावन के महीने में ऐसे तो महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो कहीं आप भी तो उनमें से नहीं जो हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानते हैं और ये चाहते हैं कि हनुमान जी ही आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। तो हमारे शिवपुराण वक्ता आचार्य प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो आपको सावन के महीने में मंगलवार के दिन करना है, और केवल एक चीज मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर से अगर आप चुपचाप उठाकर ले आते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन जब भी हमारे कलयुग के देवता की बात की जाती है तो ऐसे जागृत देवता में हनुमान जी का नाम ही सर्वोपरि लिया जाता है, क्योंकि ये इकलौते हनुमान जी ऐसे हैं जिन्हें कलयुग में चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी श्री राम भक्त थे। त्रेता युग में इन्होंने माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने में श्री राम की मदद की थी और माता सीता का पता भी लगाया था। माता सीता ने इन्हें आशीर्वाद के रूप में 8 सिद्धियां, 9 निधियां और अजर अमर रहने का वरदान दिया था। इसी वजह से हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में बहुत ही सरल तरीके से आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, और ऐसा कहना है हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी का। इसी के साथ दोस्तों गुरुजी ने हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद आपको विशेष तौर पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और इसी के साथ आप हनुमान जी के मंदिर से अगर एक गुप्त चीज उठाकर लेकर आ जाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। तो गुरु जी के अनुसार आपको इस उपाय को केवल मंगलवार या शनिवार के दिन करना है, और आप मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए, उसके बाद अपने घर में जो भी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखी हो आप उसके सामने चले जाइए। अब आप हाथ जोड़िए, उनके सामने दीपक जलाइए और प्रतिज्ञा कीजिए कि आप 11 या 21 मंगलवार या शनिवार को लगातार सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो आपको करना क्या है कि अपने घर में 11 या 21 मंगलवार जितनी भी मंगलवार या शनिवार की आपने प्रतिज्ञा ली है आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाना है। ऐसा करने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। इसके बाद आपको ये भी बता देते हैं कि आचार्य जी ने ऐसी कौन सी गुप्त वस्तु हनुमान जी के मंदिर से लाने के लिए कहा जो आपकी सारी मुश्किलों का हल कर सकती है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हाथ जोड़कर हनुमान जी से उनके ऊपर छड़ा हुआ चोला यानी कि हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर अर्पित किया जाता है वो मांगिए। पहले आप मांगिएगा, उसके बाद एक डिब्बी में उनके चरणों का जो सिंदूर है वो भरकर अपने घर पर ले आइएगा। दोस्तों आचार्य जी का कहना है कि ये जो चोला आप अपने घर में लेकर आए हैं ये आपके लिए चमत्कार की तरह काम करेगा, क्योंकि आप साक्षात हनुमान जी को अपने घर में लेकर आ गए हैं। तो जब भी आप किसी शुभ काम के लिए बाहर जाएं तो इस चोले का तिलक लगाकर जाएं। आचार्य जी का कहना है कि जब भी आप इस चोले का तिलक लगाकर अपने घर से बाहर जाएंगे तो आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और जब हनुमान जी का चोला आप अपने दोनों भौहों के बीच में लगाएंगे तो ये आपको परमात्मा से जोड़ेगा और आप अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और अपने जीवन में सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे वो उपाय जो आचार्य प्रदीप मिश्रा जी ने अपने भक्तों को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बताया। उम्मीद करते हैं गुरु जी के बताए हुए उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके गुरु जी की महिमा को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिएगा। धन्यवाद।